नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान में। आज का जो वशीकरण टोटका वशीकरण मंत्र है, ये सिर्फ और सिर्फ माताओं बहनों के लिए है। पुरुष इस मंत्र का जाप न करें, इस टोटके का उपयोग ना करें। इस मंत्र की जानकारी जो है वो मैं आपको पूरी विधि पूर्वक बताऊंगा और इसको ध्यान से सुनना, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, तब जाके आपको ये सारी जानकारी मिल सकती है। सबसे पहले मैं वशीकरण मंत्र जो है वो आपको बोल के बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है साथियों, हमें वशीकरण मंत्र का उच्चारण सही ढंग से हम नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आप हमसे भी कार्य करवा सकते हैं, क्योंकि एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजी। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ माताओं बहनों के लिए है, कोई भी पुरुष इसे ना आजमाए। आगे बढ़ते हैं मंत्र के साथ में। ओम नमो भगवते मातंगेश्वरी सर्वमुख रंजनी सर्वेशा महामाये मातंगे कुमारिके नंद नंद जीवे सर्वलोकवैष्णवी स्वाहा। इस मंत्र का आपने 21 बार उच्चारण करना है। किस दिन करना है? ये आपको पूर्णिमा के दिन रात्रि को 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में, जब चांद अपने पूरे रंग में हो, पूरी चांदनी के साथ में हो, अर्धरात्रि में चांद जो है बिल्कुल आपको साफ दिखाई दे, चंद्रमा को देखते हुए आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है। जिसको भी आप वश में करना चाहते हो, अपने पति को, अपनी प्रेमिका को, उसका फोटो होना बहुत जरूरी है। जिस टाइम आप ये कार्य करोगे, उस टाइम के लिए जो मंत्र है वो मंत्र आप गुरुजी से ले सकते हैं, बिल्कुल आपको निःशुल्क दिया जाएगा। अभी जो मैंने ऊपर आपको एक मंत्र बोल के बताया है, इस मंत्र के अलावा जो दूसरा मंत्र है वो आप गुरुजी से बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। पूर्णिमा के दिन ये उपाय करना है। उपाय के लिए आपके पास में प्रेमी की, पति की, जिसको भी आप वश में करना चाहते हो, उनकी फोटो का होना अनिवार्य है।